नाम नितिन डिबरी है, मेरे यूट्यूब चैनल मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए समय समय पर मोबाइल से रिलेटेड और कंप्यूटर से रिलेटेड ऐप लेके आता रहता हूँ, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको बताता रहता हूँ। तो ऐसी ही एक मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैं लेके आपके पास आया हूँ जो कि व्हाट्सएप से रिलेटेड है। व्हाट्सएप पे आपने अधिकतर क्या देखा होगा कि वीडियो चली जाती है, GIF फोल्डर चले जाते हैं और आपकी ऑडियो चली जाती है, MP3 सॉन्ग भी सिलेक्ट करके चले जाते हैं, मगर APK फाइल, यदि कोई फ्रेंड मेरे कंप्यूटर यूज़ करते हैं या फिर गूगल के कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो बीटा वर्जन में होते हैं वो यूज करते हैं, तो वो जानते हैं कि APK फाइल क्या होती है। और किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ आपको APK फाइल क्या होती है। APK फाइल वो फाइल होती है जो कि कुछ ऐप ऐसे होते हैं जो कि प्ले स्टोर पर नहीं मिलते। जैसे अभी YouTube ने अपना लेटेस्ट ऐप निकाला है YouTube Go, तो वो अभी प्ले स्टोर पर नहीं आया, वो बीटा वर्जन में आया। तो बीटा वर्जन को ही APK फाइल कहते हैं, जिसमें कई फंक्शन अलग से होते हैं, मतलब प्ले स्टोर पर वो चीज़ें नहीं मिलती, वो सिर्फ गूगल पे ही आपको मिलती है। और ऐसे इंस्टाग्राम प्लस करके आया था, एक इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम आप प्ले स्टोर से ले सकते हैं, मगर इंस्टाग्राम प्लस जब आप यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम प्लस APK फाइल में जब आप यूज करेंगे तो इंस्टाग्राम प्लस का एक फ़ीचर ऐसा है, जैसे कि कोई यूट्यूब यूजर है तो वो अपना लिंक जब शेयर करना चाहता है तो वो इंस्टाग्राम प्लस जो है डाउनलोड करे APK फाइल में, उससे आपका यूट्यूब का लिंक जा सकता है। मगर इंस्टाग्राम जो प्ले स्टोर में है उससे आप अपना लिंक शेयर नहीं कर सकते। ऐसे ही यूट्यूब का ये चैनल है APK फाइल में यूट्यूब गो। तो इस फाइल को किस तरह हम व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि APK फाइल अधिकतर शेयर नहीं होती है, वो अब मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही इजी ट्रिक है, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और सबसे निवेदन है मेरे फ्रेंड जो मेरे से जुड़ा हुआ है और मेरे जो यूट्यूब चैनल से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जिसने सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर लिया है उनका थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज के वीडियो और ट्रिक। मैं आपको शो करके दिखाता हूं पहले कि APK फाइल होती कहां और जाती कैसे है। देखो APK फाइल, जैसे हमने फाइल मैनेजर पे गए, अब समझ लो कि हमने स्नैपट्यूब भेजना है। देखो टॉप पे ये APK फाइल है, अगर हम इसे प्रेस करके रखें और यहाँ 3 डॉट पे जाएं, तो यदि हम इसे शेयर करें तो देखो आपके पास भी यही सारे ऑप्शन आएंगे कि आप मेल कर सकते हो, एक्जेंडर से भेज सकते हो, शेयरिट से भेज सकते हो, सेव ड्राइव कर सकते हो, मगर व्हाट्सएप से नहीं भेज सकते। इसे व्हाट्सएप पे भेजने का कोई ट्रिक ही नहीं है, मगर मैं आपको आज बता रहा हूँ ट्रिक क्या है। तो कुछ नहीं करना, आपने इसे सिलेक्ट करके रखा है, जैसे स्नैपट्यूब को आप सिलेक्ट करें या 3 डॉट पे जाएं और रीनेम लिखें, इस पे रीनेम लिख के जो उसके लास्ट में APK है उसे APK ना करके टेक्स्ट लिख दें। टेक्स्ट लिखते जैसे ही ओके करेंगे तो ये आपके फाइल मैनेजर से हट जाएगी। जैसे एक एक रहा मैंने ये हट गई, ये देखिए अभी कहीं भी नहीं है, आपको मैं ऊपर से दिखा दूँ, अभी थी तो ये यहाँ से हट गई है। अब ये फाइल कहाँ चली गई है, फाइल चलेगी आपके स्टोरेज में, मीन्स एक्सप्लोर जो होता है आपका, या तो आप पे एक्सप्लोर डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या आपके मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज पर ही होता है। जैसे यहाँ जाएंगे तो मैं यहाँ भी शो कर देता हूँ, जो आपका मोबाइल का इंटरनल स्टोरेज है वहाँ पर ये फाइल आपको मिल जाएगी। आपने कुछ नहीं करना, यहाँ सर्च करना जा रहा है तो TXT फाइल करके देख लेना, TXT फाइल, ठीक है, ये TXT फाइल सारी खुल गई आपकी, तो यहाँ ये आ गया होगा, ठीक है। और अगर यहाँ से भी नहीं सो रहा है तो आपने कुछ नहीं करना, एक एक्सप्लोर डाउनलोड कर लेना आप, ये रहा ES फाइल एक्सप्लोर आता है, इस पर जाएँ और यहाँ पर टॉप पर लिखें TXT फाइल, ठीक है। TXT फाइल जैसे लिखेंगे, TXT भी लिखेंगे तो देखो ये टॉप पे आ गया स्नैपट्यूब का,
ठीक है। यहाँ पे इस पे जैसे आप जाएंगे इसको रखें, ठीक है, और शेयर, पहले नहीं आ रहा था, अब देखा ये शेयर का ऑप्शन यहाँ खोलती है, देखो व्हाट्सएप पे आ गया, व्हाट्सएप पे आ गया। अब व्हाट्सएप पे जिसे भी आपने सेंड करना है, किसी को भी करना है, ठीक है फ्रेंड, जैसे मैं कर देता हूँ, यहाँ ये सेंड हो गया। ये 7 MB का सॉफ्टवेयर है, थोड़ा आज मेरा नेट स्लो है फ्रेंड, कोई नहीं अभी चल जाएगा। अभी 7 MB का सॉफ्टवेयर है, ये चले गया। अब प्रॉब्लम ये आती है, ये TXT फाइल में गया है। अब TXT फाइल से डाउनलोड क्यों कैसे करेंगे, क्योंकि TXT फाइल है तो TXT में पढ़ा जाएगा, कुछ मतलब अंदर वर्ड्स आ जाएंगे, AP की तो है नहीं जो डाउनलोड हो जाएगा। तो आपने कुछ नहीं करना फ्रेंड, अब ये चलेगी ये फ्रेंड वीडियो, तो अब इसको AP की फाइल में ही कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो TXT फाइल में आई है, आपको दिख रही होगी। तो कुछ नहीं करना फ्रेंड, आपने क्या करना है, अपने एक्सप्लोर में वापस जाएं। एक्सप्लोर में वापस जाने के बाद वहाँ पे स्टॉप पर लिखे TXT फाइल, ठीक है, TXT फाइल में आ गई, आपको किनारे पे दिख रही होगी स्नैपट्यूब एरी, इसके ऊपर थोड़ी देर होल्ड करें और ये रीनेम का ऑप्शन आया है, ये TXT फाइल को यहाँ लिख दें APK और ओके कर दें। ओके करते ही यहाँ से रीनेम सक्सेसफुली हो जाएगी। अब आप जाके देख सकते हैं कि ये फाइल, यहाँ से वापस आने के बाद आप अपने फाइल मैनेजर पे जाएं। फाइल मैनेजर पे जाने के बाद देखें APK फाइल, ये रही, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये वापस ज़रूर आई होगी। प्लेयर ट्यूब में ट्यूब स्नैपट्यूब इंस्टाग्राम यूसे वीडियो ग्रे प्लेयर, ये रही नीचे सबसे नीचे स्नैपट्यूब, ये वापस आपकी APK में आ गई है। तो फाइल में शो हो रहा फ्रेंड, इंस्टॉल कर सकते हैं आप यहाँ से, ईजिली है, बहुत ईजी ट्रिक है, आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आई तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी डाल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और आपसे फिर निवेदन करूँगा कि यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी का ऑप्शन आएगा, उस घंटी के ऑप्शन पर ज़रूर क्लिक करें, जब जब मैं नई नई वीडियो डालूँगा तो आपको एक वेल आपके मोबाइल पे या PC पे आ जाएगी। जैसे ही मैं वीडियो डालूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कोई लेटेस्ट वीडियो डाली है। थैंक यू वेरी मच।